वैसे तो प्यारे मगर मैं घर का काम काज कर रही थी कि अचानक से एक सिस्टर आई और भाई भी साथ थे, और उन्होंने कहा कि बच्चों को खसरे के टीके और पोलियो के कतरे हम पिला रहे हैं, तो बच्चों को ले आओ। उसके बाद मैंने यामीन को खसरे का टीका लगवाया और पोलियो के कतरे भी पिलवाए, और अभी वह घर के काम हो गए हैं सारे कंप्लीट। और आप जा रही हो, मेंढे मेरे इंतज़ार में खड़े हैं, उनको खोल के लेके जाऊंगी, थोड़ा सा उनको चराऊंगी ताकि खुश हो जाएं, चलें फिरें। और उसके बाद झाड़ू भी काटने जाना है, वापस आके मिट्टी भी लगानी, सारे घर के काम करने। और अभी तो जा रही हूँ मेंढे लेके, आगे देखते हैं क्या होता है। आज इस मुझे टोलू ने बहुत तंग किया है, बहुत इस टोलू ने भी तंग किया और इन मेंढू ने भी मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग किया है। और यामीन आ गया है उधर से रोता हुआ क्योंकि आज फिर मेरे बेटे को वो। अच्छा तो प्यारे व्यूअर ये देख रहे हैं, ये बाजरे के सिट्टे, यहाँ बाजरा था और सारा बाजरा काट लिया है। और इधर मैं अपनी बकरियों के लिए निकाल रही हूँ, ये देखिए छोटा छोटा सा घास, और ये छोटा छोटा घास इकट्ठे करके उसके बाद घर ले जाऊंगी और इनको दूंगी। अच्छा तो विवर ये देखिए खेतों में तो आ चुकी हूँ। तो एक और मसला, वो सामने आपको रोड पे एक रेड़ी दिखाई दे रही होगी, वहाँ मेरे मेंढे वहीं चले गए, अब ये भी वहीं जाने की कोशिश कर रही है। अल्लाह तौबा, इन्होंने आज मुझे सारा दिन इसी तरह से तंग करना है। जब इनको ले आओ खेतों में तो ये इतनी सताते हैं, इतना तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये टोलू मोलू कहते हैं कि मेंढे कहाँ चले गए हैं, मेंढे सामने खड़े हुए हैं, ये हाल है इनके। अब मैं जाऊँ फटाफट इनको ले आऊँ, नहीं तो ये फिर से घर चले जाएंगे। जी तो प्यारे व्यूअर ये देख रहे हैं, सुबह से यामीन तंग कर रहा था, अब मेरा बेटा सो चुका है और सो के उठेगा, उसके बाद इसका भाई गया है इसके लिए गाड़ी लेने। तो प्यारे व्यूअर जैसा कि आपने देखा हमारा व्लॉग, उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पहले की तरह बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा अपना ढेर सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।